यूपी के रायबरेली जिले में मनिक रोड स्थित सीवर लाइन के मेन होल में सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो श्रमिक बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। मौके पर डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत आला अफसर पहुंच गए। करीब डेढ़ घंटे तक चले रेस्क्यू में किसी तरह दोनों को बाहर निकाला गया। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवर का कार्य चल रहा है। पूरे चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, अब टेस्टिंग किया जा रहा है। मृतक संजू नागर वृंदावन मथुरा, जबकि दूसरा मृतक जोगेश्वर राजा खेड़ा राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभावितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अभी लगभग 12:30 के करीब हमारे यहाँ दो बॉडी आई, दोनों डेड थे। एक का नाम संजू है, एक का नाम योगेश, एक वृंदावन का रहने वाला है मथुरा, और दूसरा धौलपुर राजस्थान का है। दोनों ब्रॉड डेड थे। क्या पहचान क्या हुआ था? अब वहाँ बता रहे हैं कि सीवर की खुदाई हो रही थी, उसी में ये लोग उसकी सफाई कर रहे थे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।